नमस्कार। मेरे सामने ये एक नौजवान का हाथ है जो मिलिट्री से रिटायर्ड आर्मी से हुए हैं, तो देख लेते हैं इनके स्वस्थ हाथ को, बात कर लेते हैं इनके सीधे सीधे सवालों से ही। मैं इनके सारी उंगलियों के और पर्वों के बारे में बोलने वाला हूँ। तो इन्होंने कहा था कि मेरी नौकरी आर्मी में थी और मैंने 41वें वर्ष में छोड़ दी, तो चलिए उसको भी देख लेंगे। सबसे पहला सवाल है इनका, मेरी अपनी प्रॉपर्टी कब बनेगी? तो प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं इनके हाथ में देखता हूँ तो यहाँ जाकर के दिखलाई पड़ता है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये बन रहा है 51 से लेके 55 वर्ष के बीच में। ये ट्रायंगल आपका मकान बनवाएगा 51 से 55 वर्ष के बीच में। तो प्रॉपर्टी का आपका सवाल मैंने यहाँ बता दिया। दूसरी बात, आप मुझसे पूछ रहे हैं फिर से सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। पहली क्यों लगी, ये तो ये देखिए यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, ये छोटा इस जगह पर। साथ के साथ पर्वत भी अच्छा था, उसने आपको यश दिलाया, सम्मान दिलाया, और यहाँ देखते हैं तो ये एक फ्लैग भी छोटा सा दिलाया, एक तरह का फ्लैग यहाँ मिला है आपको, जिसकी वजह से आपको सरकारी नौकरी मिली। अब आप पूछते हैं क्या मुझे दूसरी सरकारी नौकरी मिलेगी? चलिए मैं पहले आपके 41 वर्ष तक की भाग्य रेखा बोलता हूँ। ये देखिए, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक निकलकर, और यदि मैं देखूँ तो बाद में भाग्य रेखा यहाँ से बनी और लगभग जाकर के ये 41 पर यहाँ कट गई। तो दूसरी सरकारी का नौ योग तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन नौकरी का योग पक्का दिखलाई पड़ रहा है। आप कहीं ना कहीं पर नौकरी आपको ज़रूर मिल जाएगी, सरकारी नौकरी का योग मुझे यहाँ पर अब दिखलाई नहीं पड़ रहा। चलिए तीसरा आपका सवाल है, मैं विदेश योग विदेश यात्रा 35-36 वर्ष में गया था, क्या मैं दोबारा भी विदेश जाऊंगा? ये आपके चंद्र पर्वत से रेखा गई और यहाँ से निकल करके ये केतु स्थान को यहाँ चली गई, तो इसने आपको विदेश यात्रा कराई यहाँ पर इस रेखा ने। और जहाँ तक बाद में की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाद में कोई विदेश यात्रा मिलने वाली है। तो एक बार आप हो आए। जीवन रेखा के बारे में आपने पूछा कि मेरी जीवन रेखा बहुत छोटी है, ये आपकी जीवन रेखा और ये यहाँ तक चली गई है, और यहाँ पर ये पीछे एक मंगल रेखा सपोर्ट में और आ गई है, और इसके बाद में जो आयु को देखा जाता है वो बृहस्पति का जोड़ प्लस मस्तिष्क रेखा का जोड़ भाग 3 होता है। यदि मैं आपकी मस्तिष्क रेखा को देखता हूँ तो 80 साल, यदि आपकी हृदय रेखा देखता हूँ तो 90 साल, और यदि आपकी यहाँ आयु रेखा देखता हूँ तो 50 साल। तो इन तीनों का जोड़ हुआ 17 और 5 220, इसको डिवाइड करें यदि 3 से तो यहाँ अभी आपकी उम्र 74 वर्ष के आसपास आ रही है, तो 74 वर्ष का तो ठप्पा लग गया पक्का। अब बात ये आई कि क्या ये रेखाएं और भी बढ़ जाती है जीवन में? तो बिल्कुल ये रेखाएं आगे और भी बढ़ जाती हैं।
तो आप इसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें, मैंने 74 तो पक्का कह ही दी, इसके आगे भी रेखाएं बढ़ जाती हैं। आपने कहा मुझे अध्यात्म में बहुत रुचि है, मैंने हस्तरेखाओं में देखा कि जब जब मस्तिष्क रेखा से चंद्र रेखा काट करके राहु पर्वत में चली जाती है, केतु स्थान में चली जाती है, ऐसा व्यक्ति की अध्यात्म में बहुत रुचि होती है। और मैं तो कहूँगा यदि अध्यात्म से संबंधित, योग से संबंधित आपको आप करेंगे तो इसमें जॉब तक भी आप पा सकते हैं। अगला सवाल है आपका, मृत्यु हस्बैंड की पहले के वाइफ की पहले, ये आपकी हृदय रेखा, पत्नी की रेखा, जीवन आयु रेखा, और यहाँ तक पहुँच गई है। देखने में लगता है कि आपकी पत्नी की आयु आपसे ज़्यादा है, यानी वो आपसे बाद में गुजरेगी। चंद्र पर्वत पर आप कह रहे हैं एक डमरू सा बन रहा है, ये एक्चुअल में डमरू सा नहीं है, जिसे आप डमरू कह रहे हैं ये रेखाएं हैं चंद्र पर्वत पर मानसिक चिंताओं की रेखा, और इन सब ने जाकर के काटा है आपकी मस्तिष्क रेखा को। लास्ट में दिमाग के अंदर चिंता रहती है परिवार की, घर की, और कई बार डिप्रेशन की रेखाएं भी ये मानी जाती हैं। यदि आपको कभी ऐसा लगे तो मनोचिकित्सक से मिल लीजिए। आपने कहा मस्तिष्क रेखा के अंतिम भाग में मछली बन रही है, जिसको आप ये मछली कह रहे हैं, ये मछली नहीं है, ये मस्तिष्क रेखा की रेखा, और ये चंद्र पर्वत से आकर केतु को जाने वाली रेखा, और यहाँ भी जो रेखा है ये मछली कोई भी यहाँ पर नहीं बन रही है। मछली अगर होती तो उसका फल कुछ और मिलता, ये सब डिप्रेशन और चिंता की रेखा है। जीवन रेखा पर गुरु पर्वत की तरफ खड़ी हुई रेखाएं, ये गुरु पर्वत की तरफ खड़ी रेखाएं, और जब जब ऐसी रेखाएं खड़ी होती हैं व्यक्ति को आध्यात्म की तरफ ले जाती हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित, समर्पण, ज्ञान, ये चीज़ें, ये सब रेखाएं जो आपकी जीवन रेखा से निकल करके ये ऊपर को जा रही हैं। आपने कहा हृदय रेखा पर खड़ी रेखाएं, हृदय रेखा, हृदय रेखा पर देखिए नीचे की तरफ कितने सारे ट्रायंगल हैं, नीचे को गिरती हुई रेखा है। व्यक्ति दूसरों के काम आता है, पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, या वाणी के कारण पत्नी से टकराव, ये तीन बड़े कारण आपके हाथ पर बने हुए हैं। जिन खड़ी रेखाओं की आप बात कर रहे हैं ये सब रेखाएं या तो सूर्य पर्वत की तरफ जा रही हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिला गई, ये खड़ी रेखाएं जो बुध पर्वत की हैं, बुध पर्वत की तरफ खड़ी हैं, ये व्यक्ति में ज्ञान देती हैं और इस बात को कहती हैं कि धन का साधन आपका बना रहेगा, इसकी लंबाई भी बहुत अच्छी है उंगली की, तो आपके पास बुद्धि अच्छी है। सूर्य पर्वत पर यश दिलाती हैं और शनि पर्वत पर खड़ी रेखाएं धन दिलाती हैं, तो ये शनि पर्वत भी आपका अच्छा है, यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं इस बात को बताती है। जीवन में जब तक भी व्यक्ति जीवित रहेगा जब तक उसके पास धन के आगमन बने रहेंगे। आपने पूछा कोई प्रसिद्धि है कि नहीं, देखिए प्रसिद्धि के लिए सूर्य पर्वत पर जितनी प्रसिद्धि आपको मिली थी नौकरी से वो मिल चुकी है, बाकी कोई राजनीतिक योग नहीं लगता, कोई विशेष प्रसिद्धि का योग यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता। आप पूछ रहे हैं चार पहिया वाहन कब होगा, मैंने आपको बताया तो यहाँ 41 में आप रिटायर हुए, और ऊपर जो जाकर के जहाँ मैं बोल रहा था तो वहीं 51 से 55
उसी बीच में आपको लगता है देखने में कि आपको वाहन योग प्राप्त होगा। अब मैं कुछ अपने आप भी देख लेता हूँ। आपने जो पूछा के सवाल के जवाब मैं दे चुका हूँ आपको। एक आपके अंदर मंगल रेखा सपोर्टिंग रेखा है आपकी आयु रेखा को। जब जब ये रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है, व्यक्ति के सारे कार्यों को, व्यक्ति की सारी कठिनाइयों से निकाल करके व्यक्ति को बाहर लाने में सक्षम होती है ये मंगल रेखा। शुक्र पर्वत देखता हूँ तो शुक्र पर्वत पर सामान्य रूप से सुख सुविधाएं आपको सब उपलब्ध रहेंगी। जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा लग्जरी वाला जीवन आपका नहीं रहने वाला है। जहाँ तक नौकरी लगने की बात कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी लग जानी है। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैंने देख दिया होगा। आप अपनी पूजा के अंदर नित्य हनुमान अष्टक पढ़िए, रुद्राष्टकम पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, रुद्राष्टकम पढ़िए, आपकी सब कठिनाइयाँ हल हो जाएंगी। ये सब पीड़ित क्षेत्र था तो इनको सबको दूर करने के लिए, मानसिक टेंशन को, कार्य प्रकृति को बनाने के लिए आपको ये दो पूजा करनी होगी। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।